फास्टिंग एक सदियों पुरानी प्रैक्टिस है जिसका इम्पोर्टेंस कई सारे कल्चर्स और रिलीजन में है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है और हमारी बॉडी ऑर्गेन्स और डैमेज सेल्स को रिपेयर होने का वक्त मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग फोर्स होती है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करती है। जनरली देर आर 5 टाइप्स ऑफ फास्टिंग। पहला है वाटर फास्टिंग, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ पानी पीकर रहना होता है। दूसरा है जूस फास्टिंग, जिसमें आप एक पीरियड के लिए सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट जूस पे डिपेंड होते हैं। तीसरा है पार्शियल फास्टिंग, जिसमें आप एक सेट पीरियड के लिए सिर्फ सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स ले सकते हैं। इस दौरान आप एनिमल प्रोडक्ट्स और कैफीन से भी दूर रहते हैं। चौथा है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जिसमें आप हफ्ते के कुछ दिन बहुत कम कैलोरीज लेते हैं। लेकिन आजकल का सबसे पॉपुलर तरीका जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न होता है जिसमें दो पीरियड्स होते हैं। इसमें एक पीरियड में आपको फास्ट करना होता है और दूसरे पीरियड में आपको दिन भर के सारे मील्स खत्म करने होते हैं। आजकल की हेल्थ और फिटनेस कम्युनिटी में इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी पॉपुलर हो चुका है। इसमें तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीके जो हैं वो है 16:8 मेथड, ईट स्टॉप ईट मेथड और 5:2 मेथड। ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसमें एक फास्टिंग पीरियड होता है और एक ईटिंग पीरियड होता है। 16:8 मेथड में आपको 16 घंटे का फास्ट रखना होता है। सपोज आप दोपहर 1 बजे से 9 बजे तक अपने सारे मील्स खत्म कर लेते हैं तो बाकी समय आपको पूरा फास्ट रखना होता है। ईट स्टॉप ईट मेथड में आपको हफ्ते में एक या दो दिन 24 घंटे तक फास्ट रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रात के डिनर से लेकर अगले रात के डिनर तक। 5:2 डाइट को फास्ट डाइट भी कहा जाता है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट माइकल मोजली ने इस टेक्निक को पॉपुलर किया। इसे 5:2 डाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हफ्ते में 5 दिन इसमें नॉर्मल खाना खाना होता है और बाकी के 2 दिन 500 से 600 कैलोरीज तक ही खाना होता है। एंड पॉइंट्स नाम की एक साइंस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फास्टिंग से डैमेज सेल्स को डिस्ट्रॉय करके न्यू सेल्स रीबिल्ड किया जा सकता है। एक साल पहले US में इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 स्टडीज की गई, जिसमें 11 में यह साबित हुआ कि इससे वेट लॉस होता है। फास्ट रखने से शरीर में इंसुलिन लेवल ड्रॉप होता है। इससे शरीर में इंसुलिन बढ़ने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, जो कि मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण है। ये कैलोरी इंटेक को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके वेट लॉस और फैट लॉस में मदद करता है। इससे हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होती है क्योंकि इससे इम्प्रूव होता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। एनिमल्स पे की गई स्टडी से यह पता चला है कि फास्टिंग से ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे डिसीज से बचाव हो सकता है। कई सारी स्टडीज से यह सामने आया कि फास्टिंग से हम ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH लेवल्स को बढ़ाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन होता है जो कि मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में और वेट लॉस करने में मदद करता है। कई सारी स्टडीज से यह पता चला है कि फास्टिंग से कैंसर को दूर करने में मदद मिलती है, बिकॉज इससे ट्यूमर आसानी से ब्लॉक हो जाता है और कीमोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाती है। आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे डायबिटीज, ब्लड शुगर रेगुलेशन, लो ब्लड प्रेशर, ईटिंग डिसऑर्डर एटसेट्रा। सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये बताया है कि इस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सबका शरीर अलग है और अलग अलग तरीके से इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है।